हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक विद प्रोडक्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल ऐप का। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ऐप बेस्ट है, कौन सा ऐप चूज़ करना है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप एक काफ़ी लीडिंग मैसेंजर ऐप है, बहुत टाइम तक मतलब लीडिंग मैसेंजर ऐप रहा था। लेकिन एंड ऑफ दिसंबर के बाद जब से इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि ये अपने मतलब हमारे डाटा को, यूज़र के डाटा को फेसबुक पर शेयर करेंगे और साथ ही साथ ये डाटा को कलेक्ट करेंगे। और हो सकता है कि अभी तो ये नहीं दिखाएंगे ऐड, लेकिन हो सकता है नियर बाय फ्यूचर में ये लोग आपको ऐड भी शो करें व्हाट्सएप पर। तो जैसे कि ये पहले एक फ्री सर्विस हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अगर इस पर ऐड आने लगेंगे तो उसके बाद ये टोटली फ्री सर्विस नहीं रहेगी। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, जिसके बाद इसको काफ़ी यूज़र्स इसके अनइंस्टॉल करने लगे हैं। और जैसे कि आपको ये पता होगा कि 8 फरवरी तक आपके पास टाइम है, 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स के बारे में व्हाट्सएप के, जो कि फ्री हैं और वो आपके साथ ऐसी पॉलिसी नहीं देते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टेलीग्राम ऐप के बारे में। तो टेलीग्राम ऐप एक फ्री ऐप है। अब मैं इसके आपको और भी फीचर्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहला इसका जो पहला प्लस पॉइंट है वो है कि ये ग्रुप्स जो आपको सपोर्ट करता है, वो 2 लाख मेंबर्स तक आप इसमें ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जबकि आप व्हाट्सएप में केवल 256 मेंबर्स ही ऐड कर सकते थे। उसके बाद और भी फीचर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, जैसे कि साइज़ लिमिट जो फाइल्स सेंड करने का है वो है 1.5 GB, वो भी व्हाट्सएप में काफ़ी कम था। और इसी तरीके के और भी आपको फीचर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। और सबसे प्लस जो हम पॉइंट कहें इसका, वो ये है कि ये कंफर्म करता है कि ये कोई भी डाटा आपका गवर्नमेंट या फिर थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर नहीं करता है, जो कि व्हाट्सएप में दिक्कत आने लगी थी, तो इसमें ये चीज़ नहीं है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऐप है सिग्नल। तो उसके फीचर्स भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जैसे कि ये एक लेटेस्ट मेंबर है मैसेंजिंग के मामले में, लेकिन ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। और उसके बाद इसमें भी E2E इंक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये आपको और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते मैसेज को मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स में, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऑफर करते हैं ये फीचर, लेकिन सिग्नल में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारा इसमें सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो सिक्योरिटी इसमें काफ़ी है। E2E इंक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ ये भी किसी थर्ड पार्टी को आपका डाटा नहीं देता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये तीनों ऐप्स आपका क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप आपके कई सारा डाटा कलेक्ट करता है, जैसे कि आपकी डिवाइस आईडी, यूज़र आईडी, एडवर्टाइजिंग डाटा, परचेज हिस्ट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें टेलीग्राम के बारे में, तो टेलीग्राम आपका इससे कम डाटा जो है वो यूज़ करता है। तो ये कलेक्ट करता है कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, यूज़र आईडी, तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि टेलीग्राम कलेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सिग्नल ऐप की, तो सिग्नल आपका कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करता। जी हाँ, कोई भी डाटा यहाँ पर ये कलेक्ट नहीं करता, केवल आपका फ़ोन नंबर सिग्नल में चाहिए होता है, बाकी कुछ भी ये आपका कलेक्ट नहीं करता। उसके बाद अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल का। तो यहाँ पर ये क्या क्या कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपको इन तीनों ऐप में से कौन सा ऐप चूज़ करना चाहिए। व्हाट्सएप की अगर हम बात करें, तो इसमें तो प्राइवेसी इश्यूज आ रहे हैं, और अगर आप 8 फरवरी तक इसे अलाउ नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको इसके अल्टरनेटिव के लिए आपको ढूंढने चाहिए। तो उसमें अगर हम बात करें, तो बेस्ट अल्टरनेटिव इसका निकल कर आ रहा था सिग्नल, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, केवल एक ब्रॉडकास्ट फीचर नहीं है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं और प्राइवेसी इश्यूज भी इसके अंदर नहीं हैं। बाकी आप टेलीग्राम को भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप के लिए। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक दे दें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें नीचे कि आप लोगों को इसमें से कौन सा ऐप ज़्यादा पसंद आया है।